नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही बढ़िया स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से सभी पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीमें हैं, सभी स्कीम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बढ़ोतरी की है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, जो जिसका सीधा इफेक्ट आपको होने वाला है। आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट अब मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस मतलब भरोसा, इंडियन गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इसलिए इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर आप शेयर बाज़ार वगैरह में पैसा लगाते हो तो वहाँ पे पैसा डूब जाने का खतरा रहता है। बैंक वगैरह में FD वगैरह करते हो तो वहाँ पे खाली 5 लाख का बीमा रहता है, उसके ऊपर अगर अमाउंट गया तो फिर वहाँ पे भी सिक्योरिटी नहीं रहती। तो इससे अच्छा पोस्ट ऑफिस काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। दूसरा बेनिफिट ये है, इसके अंदर अभी इंटरेस्ट भी बढ़ गया तो वो भी आपको बेनिफिट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कुछ खास है स्कीम के अंदर, तो चलो देखते हैं। उससे पहले अगर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो मेरे यारों। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इस स्कीम का नाम क्या है। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये स्कीम कौन कौन खुलवा सकता है। साथियों, ये स्कीम भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। ये अकाउंट आप सिंगल और जॉइंट भी खुलवा सकते हो। दोस्तों, अभी आगे हम बात करें तो डिपॉजिट मतलब पैसे के बारे में, तो इसके अंदर आपको नया 2023 में बजट आया है तो इसके अंदर लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले इसकी लिमिट 5 लाख थी, जो कि अभी बढ़ा के 9 लाख रुपये कर दिया गया है। दोस्तों, हम बात करें तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 से स्टार्ट होता है और जॉइंट होल्डर अगर आप हो, घर में आपकी वाइफ है, फादर है, मदर है, उसके साथ अगर आप अकाउंट जॉइंट करवाते हो तो इसकी लिमिट हो जाएगी 15 लाख रुपया, जो कि पहले 9 लाख रुपया था, अभी ये हो गया है 15 लाख रुपया। इसकी ये भी काफ़ी अच्छी इसके अंदर एक बात है। अभी दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इस बात करते हैं इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। पहले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.1, जो कि अभी हो गया है 7.4, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, 7.5% आपको यहाँ पे मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो पोस्ट ऑफिस की MI स्कीम के अंदर आप अगर 1 लाख रुपया डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 616 रुपया मंथली, और टोटल इंटरेस्ट 5 साल का वो हो जाएगा 37,000 रुपया, यानी कि 37,000 पूरे साल का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगर आप 2 लाख रुपये इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे हर महीने मिलेगा 1233 रुपया, और टोटल जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 74,000 रुपया, यानी कि आपको हर टोटल जो इंटरेस्ट होगा वो 74,000 आपको यहाँ पे मिलेगा। अभी दोस्तों बात करते हैं 5 लाख रुपया, अगर आप 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे 3,083 रुपया इंटरेस्ट हर महीने आपके खाते में मिलेगा, और उसके सामने जो अमाउंट होगी इंटरेस्ट की वो हो जाएगी आपकी 1,85,000 रुपया, यानी कि 2.25 लाख के करीब आपको पैसा क्रेडिट दे दिया जाएगा। अभी आप 8 लाख रुपया लगाते हो तो आपको टोटल हर महीने मिलेगा 4,900 रुपया, और आपका टोटल जो फंड हो जाएगा 2,96,000 रुपया। अभी हम दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप दोनों मिलके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपने 9 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको यहाँ पे मिलेगा 5,550, और टोटल इंटरेस्ट वो हो जाएगा 5 साल के बाद हो जाएगा 3,33,000। ये आप देखो काफ़ी अच्छा है एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आप इसके अंदर 14 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे हर महीने मिलेगा 8,633 रुपया, और 5 साल बाद ये रकम हो जाएगी 5,18,000 रुपया। अभी साथियों हम बात करते हैं, अगर इसकी फुल लिमिट है 15 लाख, अगर आपने 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है स्कीम के अंदर तो आपको हर महीने मिलेगा 9,250, और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसका इंटरेस्ट होगा 5,55,000, यानी कि 5.5 लाख तक आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी आप जॉइंट अकाउंट खुलवा लीजिए, 15 लाख डाल दीजिए, टोटल 30 लाख होगा, और हर महीने उसका दोनों का इंटरेस्ट का हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपको 20,000 तक आराम से हर महीने पेंशन के तौर पे मिल सकता है। अगर वही स्कीम हम फिर म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल दें तो उसमें से भी आराम से रिटर्न आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छी स्कीम है। आज ही आप पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए और नई स्कीम का लाभ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।